हेलो रिवान वेलकम टू आर्ट ज़ोन जय माता दी मैं नंजनी सोलंकी फ्रॉम भोपाल चलिए आ जाइए जल्दी से आप लोग और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा वही अफ्रीकन लेडी का जो थर्ड पीस है जो हमने आधा किया है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे ठीक है तो जल्दी जल्दी आ जाइए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं है ना जल्दी से आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए है ना चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग है ना हम बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करते हैं ओके चलिए ये देखिए ये है हमारा म्यूरल है ना ये तीनों म्यूरल हैं मैं शायद तीन एक साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाए बट मैं दिखाती हूँ दिख गए तीनों एक साथ आप लोगों को दिखाएँ हैं है ना ये तीन म्यूरल हैं और अफ्रीकन लेडी के तो हमने फर्स्ट हमारा ये है सेकंड हमारा ये है एंड थर्ड हमारा ये है तो हम इसको कंप्लीट करेंगे अब है ना आज हम इसको कंप्लीट करेंगे ठीक है चलिए हेलो कमल जी वेलकम चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं मैंने नंबर अपना नंबर पिन कर देती हूँ मैं ठीक है तो नंबर पिन कर दिया है मैंने ओके चलिए जो भी डिटेल चाहिए आपको है ना किसी से रिलेटेड क्लास से रिलेटेड है ना क्ले का रिलेटेड मोल्ड से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं कोमल जी बड़े दिनों बाद आए हैं बच्चों के एग्जाम हो गई सबकी तबीयत कैसी है ओके okay ना ठीक है इस तरीके से हम इस पर फेविकोल लगाएंगे फैला लेंगे थोड़ा सा फेविकोल को अच्छे से फिंगर्स की हेल्प से हम्म चलिए एक साथ क्ले से काम करना पड़ेगा एक साथ क्ले लेनी पड़ेगी है ना तो हम थोड़ी सी क्ले ज़्यादा लेते हैं ठीक हमारा पानी न्यू कार से कहाँ घूमने गए कहीं नहीं गए कोमल जी अभी तो कहीं भी नहीं गए न्यू कार से घूमने के लिए अभी तो बस घर पे ही है ना जाएंगे जाएंगे न्यू कार से सबसे पहले माता जी के दर्शन करने जाएंगे और फिर घर जाएंगे है ना गनगौर पे ये देखो इस तरीके से हम इसको रखेंगे यहाँ पर है ना थोड़ा सा मैंने क्ले लेके हेलो रितु जी और इसको थोड़ा सा वेलकम और हाथों से हल्का सा इसको प्रेस कर लिया और अब यहाँ पर हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारा ड्रेस का पार्ट है है ना नीचे का तो हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं फुलाना है है ना बहुत ज़्यादा हमें इसको आ, मोटा नहीं करना है मेरे कहने का मतलब है ठीक है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं हेलो पुष्पा जी बस कल जहाँ तक हमने फिनिश किया था उसी के आगे स्टार्ट कर रही हूँ मैं है ना पर ये हल्का सा हाथ का हिस्सा है तो हम उसको थोड़ा सा बाद में करेंगे ये देखो इसको कल हमने इसलिए नहीं किया था कि इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है ना तो थोड़ा सा टाइम हो जाता ओके ये देखो है ना इस तरीके से अब हम इसको पहले तो थोड़ा सा पानी लगाकर बिल्कुल प्लेन करेंगे है ना ठीक है यहां से हल्का सा बाहर के साइड है मुझे लगा नहीं होगा है ना ये देखो ठीक है बहुत हल्का सा हमने इसको उठाया है फिर पानी लगा के इसको हमने प्लेन भी कर दिया है सभी दूर जो क्ले है उसका जो लेवल रहेगा सभी दूर बराबर रहेगा है ना कहीं ऐसा नहीं कि कहीं मोटा पतला है ना इस टाइप से नहीं ही रहेगा शेयर डन थैंक यू रितु जी थैंक यू सो मच इस तरीके से शेप ज़रूर ध्यान में रखिए है, है ना बिना शेप के मज़ा नहीं आएगा है ना जो शेप है वो शेप को रहने दीजिएगा नहीं तो ऐसा ना हो कि शेप आप लोग उसको बिगाड़ दो है ना जब भी बनाओ अगर आप लोगों की बनाने की इच्छा है तो शेप में ही रहने दीजिएगा ठीक है क्योंकि मैं तो बना देती हूँ आप लोग ही नहीं बनाते हूँ है ना लगता अच्छा है है ना दिखता अच्छा है लाइक भी करते हो शेयर भी करते हो बस बनाते नहीं हो पता नहीं क्यों और जब होता है ना काम फैक्ट वाली बात बता रही हूँ कि जब काम होता है ना कि यार हाँ यार देखो उस टाइम हम बना लेते ना तो आज हमें ये जो गिफ्ट देना है तो हम हमारे हाथों से बना देते अब तो बहुत टाइम हो जाएगा उसको बनाने में कैसे बनाएंगे कब बनेगा ये सब चीज़ें तब याद आती है जब टाइम निकल जाता है तो बना के रख लो क्या दिक्कत है है ना हेलो जी थैंक यू हेलो अलका जी वेलकम नीता जी वेलकम ये देखो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा मर्च करूँगी बॉडी में और फिर ये पानी से फिनिशिंग और फिर यहाँ पर बॉडी और उसके बीच में थोड़ा सा गोलाई में गेप है है ना कुछ इस तरीके से तो वो चीज़ हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे फिर ठीक है जी है ना बाकी कहीं भी कोई किसी तरीके का हमें क्रेक भी नहीं अभी तो फिलहाल में नजर आ रहा है कहीं भी कुछ भी नहीं, नहीं नजर आ रहा है तो हमें फील भी नहीं करना है अब हमने पानी लगाया है थोड़ा सा फिंगर से बहुत कम पानी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा भर भर के पानी लगाया है हेलो रीना जी वेलकम है ना? ये देखो। ओके अब हमारे पास ये जो है एक टूल है मेरे पास इससे हम यहाँ और ये जो यहाँ पर एक है ना ये देखो ऐसे इससे ही गहराई देकर हम इसको एक डिज़ाइन यहाँ बनाएंगे है ना और एक डिज़ाइन हमारी यहाँ से है ये देखो बहुत सिंपल से बन गई है ना? बहुत इजीली बन गई बहुत ही सिंपल से बन गई है ना? हमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा एक बार और इसके ऊपर में बिल्कुल सीधे से लेके कर आऊँगी अब कुछ भी नहीं करना है बस इसको अगर आप चाहो तो हल्का सा इस तरीके से पानी से इसको हल्का सा प्लेन कर सकते हो और नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि हमारी डिज़ाइन दिख रही है ये हो गया ना इजी बहुत ही ठीक है इस तरीके से बहुत ज्यादा भी नहीं हमें थ्री डी देना है थोड़ा लिमिटेड फिर यहाँ पर हम जो पेड़ का हिस्सा है वो लगाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा जो हाथ का हिस्सा दिख रहा है वो लगाएंगे केवल जो हथेली का हिस्सा है ना वो वाला, बस थोड़ी सी क्ली लेंगे बहुत थोड़ी सी क्योंकि पेड़ बहुत बहुत ही कम दिखाई दे रहा है है हाँ ना और ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना इसको मैं अब क्या करूँगी हल्के से मर्ज करूँगी पहले इसमें है ना मर्च कर दिया पानी से फिनिशिंग दे दी और अब जैसा उसका शेप है वैसा हम उसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे ये देखो बस है ना थोड़ा सा इधर के साइड ऐसा है और ऐसा ठीक है कुछ इस तरीके से है जो पेड़ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है पेड़ है सैंडल है जो भी है ना तो हमने ये यहाँ हम पर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है बना दिया है यहाँ पर हाथ का हिस्सा बनाएंगे वो भी हम थोड़ा सा ही बनाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे है ना बहुत बड़ा भी नहीं बनाएंगे बहुत थोड़ा सा ये देखो ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है है ना कि जितना बड़ा रहेगा वो थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा ये इधर के साइड से इसमें मैं मर्ज करूँगी जो भी आप लोगों के डाउट हो जो मैं काम कर रही हूँ उससे रिलेटेड तो आप मुझसे यहीं पर पूछ लीजिए है ना मैं व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दे पाऊँगी ओके फिर आप कहोगे कि मैम व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देते हैं है ना तो प्लीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन करने हों आप क्लास में ही जब हम ऑनलाइन होते हैं तभी आप कर लिया कीजिए ठीक है ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हैंड जो है बन के रेडी हो गया है, है ना जी और इसके बाद अब बारी आती है बॉर्डर की है ना तो यही वाली बॉर्डर लगाएंगे हम हमारी ये एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए क्योंकि जितनी बार हम देखेंगे उतनी बार हमें सीखने को मिलेगा है ना जो भी क्वेश्चन हो क्ले जो मेरी क्ले है इसकी क्लास है जो भी आपको क्वेश्चन हो कि आपको क्ले की क्लास ज्वाइन करनी है या फिर आपको जो हमने कल बंधनवार बनाया था हाँ बंधनवार से याद आया मेरे को कि जिनको किट चाहिए है ना वो लोग मुझे वहाँ पर मैसेज मेरे जो ग्रुप हैं व्हाट्सएप का उस पर आप लोग मैसेज नहीं कर पाओगे आप लोग पर्सनल मैसेज करके मुझे आ, किट ले सकते हो ठीक है बंधनवार की ठीक है और मैं अभी बंधनवार की किट में क्या क्या जाएगा मैं वो आपको व्हाट्सअप मतलब फ़ोटो अपलोड कर दूँगी मैं फ़ोटो क्लिक करके है न मेरे पेज पर ही जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो वहीं पर ऋतु बोरा जी मैं ये अपनी म्यूरल क्ले यूज़ कर रही हूँ ये देखो कितना इजीली निकल जाता है है ना ठीक है और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि तीनों जो म्यूरल है हमारे तीनों हमारी जो अफ्रीकन लेडी का जो म्यूरल बनाया है हमने वो सेम दिखने के लिए हमें उसमें बॉर्डर हम जो लगाएंगे वो भी हमारी सेम होनी चाहिए है ना इस वजह से हम एक ही टाइप की बॉर्डर लगा रहे हैं इसमें है ना ये इस तरीके से वन साइड लगा दिया है ये मेरी म्यूरल क्ले है और इसकी मेरी क्लास है रितु जी <laughs> अलका जी रितु जी अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा नंबर मैंने पिन करके रखा हुआ है ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डियर आर्ट जोन के नाम से ही है है ना या तो आर्ट जोन वन होगा टू थ्री है ना या फिर आर्ट जोन है ना क्योंकि किसका लिंक मैंने शेयर किया है शायद आठ जोन का किया होगा या आठ जोन वन का किया होगा ठीक है अब अगर किसी एक भी ग्रुप में होना तो भी आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे आज भी मैंने डाल दिया था कि मैं टू फिफ्टी पर लाइव आऊँगी है ना मैं पेज पर नहीं डाल पाती हूँ इसलिए मैं उसमें डाल देती हूँ है ना पेज पे क्या होता है फिर अननेसेसरी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब हम बार बार अपलोड वो भी करते हैं कि कब लाइव आ रहे हैं क्या ये चीज़ ग्रुप में हम बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है है ना सब लोग आ जाते हैं उसमें एक पोस्ट बढ़ जाती है हमारी ये देखो ठीक है इस तरीके से आप लेस बनाओ और लगाओ किसी ग्रुप में नहीं हो तो हाँ ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक जो ग्रुप दिया हुआ है आप उसमें ज्वाइन हो जाओ है ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है और हाँ बहुत फिर मेरे पास कल भी मैसेज आया था जिन लोगों को किट चाहिए कि मैम किट के लिए हम वहाँ पर मैसेज टाइप कर रहे थे आ, हमारे आ, आर्ट जोन का जो ग्रुप बनाया है मैंने व्हाट्सएप uh, ग्रुप उसमें तो उसमें मैसेजेस नहीं जा रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रही थी कि वहाँ पर आप मैसेजेस मत कीजिए क्योंकि वहाँ पर आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ ओनली एडमिन करके रखा हुआ है वहाँ केवल आपको क्लास के इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ग्रुप बना रखा है है ना कि क्लास कब होगी आपको जो भी डिटेल चाहिए मेरे मोल्ड का कैटेलॉग चाहिए या फिर आपको मेरी कोई सी क्लास ज्वाइन करनी है है ना जो भी तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें और हाँ इन तीनों जो हमने जो अफ्रीकन लेडी का जो म्यूरल बनाए हैं इन तीनों की फोटो मैंने व्हाट्सएप पे डाल रखी है है ना दे दी है क्योंकि जो जो स्टूडेंट बना रहे हैं उन लोगों को मैंने सेंड कर दी है ठीक है अलका जी का क्वेश्चन क्या था कि राउंड पे कुछ बताइए मेरे पास राउंड बने हैं है ना बिल्कुल देख के आ रही हूँ मैं टेंशन ना लो राउंड स्क्वायर डिज़ाइनर सब पे हम कराएंगे है ना सब पे काम होगा सो डोंट वरी है ना जिनके पास भी मेरे मोल्ड हैं वो लोग जब भी काम करें है ना वैसे तो उनको मैं बता देती हूँ जब भी वो लोग मुझसे मोल्ड ख़रीदते हैं और कुछ डाउट होता है उनको तो है ना पर फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि आप एक बार मोल्ड को आ, किसी से भी ऑयल से पेट्रोलियम जेली है ना जो भी थोड़ा सा चिकना अगर आपके पास कुछ भी है है ना क्रीम वगैरह तो उससे एक बार ग्रीस कर लें उसको है ना वैसे पेट्रोलियम जेली बेस्ट है है ना उससे एक बार ग्रीस कर लोगे तो आपका जो जो भी आप लेस बनाओगे वो परफेक्ट बनेगी बहुत अच्छी निकल के आएगी हेलो अर्चना जी ये देखो बहुत बढ़िया निकल कर आती हैं है ना तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए अब इसकी हम कलरिंग भी करेंगे है ना तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कलरिंग के लिए वो लोग कलरिंग में भी आएंगे है ना और जिन लोगों को आती है जो लोग मास्टर है कलरिंग में वो लोग भी आ सकते हैं है ना और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना जिनको सीखना है वो आके सीखते हैं ठीक है ये देखो सुंदर लग रहा ना जब तीनों में एक सी हमारी लेस लग जाएगी एक सी बॉर्डर हमारी हो जाएगी तो और फिर इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा या तो टेक्सचर का, का काम करें या कुछ भी हम इस पर थोड़ा सा शेडिंग वाला काम करेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा सोनिया जी थैंक यू सो मच डियर थैंक यू सो मच इस तरीके से और ये जो लेस है हाँ एक ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि मैम मुझे ले बॉर्डर कहाँ मिलेगी आप कहाँ से ऑर्डर करते हो है ना तो मैं बता दूँ मैं कहीं से ऑर्डर नहीं करती ठीक है मैं खुद बनाती हूँ है ना अगर अभी वो देख रहे हों वीडियो या बाद में जब भी मेरा वीडियो देखें है ना तो ये जो लेस वगैरह है या आगे की और भी जो मेरे पास मेरे जो मोल्ड हैं वो सारे मेरे हैंडमेड मोल्ड हैं है ना मैं खुद बनाती हूँ कास्टिंग भी खुद करती हूँ और बनाती भी खुद हूँ हाँ और ऑर्डर पे भी बनाती हूँ मतलब अगर आपको कोई सा पीस बनवाना है कोई सी लेस बनवानी है तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो मैं उनको वो बना के दे दूँगी है ना ठीक है तो ये मेरे जो मोल्ड हैं ये मेरे खुद के अपने हैंडमेड मोल्ड हैं ना मैं कहीं से ऑर्डर नहीं करती हूँ मुझे जो चाहिए होता है कि हाँ अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा ये वाला आने वाला है या मुझे इसमें ये वाली नीड रहेगी तो मैं पहले ही उसको बना लेती हूँ ऑर्डर पर भी बनाया है मैंने बहुत सारे मोल्ड बना के दिए हैं तो जिनको जो भी ऑर्डर देना हो वो मुझसे दे सकते हैं आपको क्या सीखना है सोनिया जी मुझे भी सीखना है आपको कैसे ज्वाइन करूं क्या सीखना है आपको मुझे ये बताओ पहले आपको क्या सीखना है आपने ज्वाइन तो किया है ना मुझे मेरे जोन पेज पे जहाँ पर अभी आप वीडियो देख रहे हो वो मेरा पेज है ओके और आप इससे जुड़े रहिए इसको फॉलो कर लीजिए है. है ना तो आप मुझसे जुड़े रहेंगे आपको क्या सीखना है आप पेज से जुड़े रहेंगे मेरे तो यहाँ पर नए नए आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा है ना और पेड क्लासेस हैं मेरी उसमें बहुत अलग चीज़ तरीके से और सिखाती हूँ मैं है ना म्यूरल्स हाँ अभी म्यूरल की क्लास स्टार्ट होने वाली है पाँच अप्रैल से हमारी मैं वो म्यूरल बताती हूँ अभी आपको है ना अगर वो आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर तो मैंने दे रखा है ना नाइन डबल सेवन डबल ज़ीरो वन नाइन एट ज़ीरो टू ठीक है ये मेरा नंबर है हेलो अनुजी वेलकम ये देखिए ये वाला म्यूरल है मेरा है ना म्यूरल क्लास ज्वाइन करनी है बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए मैंने जो ये नंबर नीचे दिया रखा है ना नंदिनी सोलंकी और मेरा नंबर वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं है ना इस नंबर पे और सीख सकते हैं ये वाली जो मेरी क्लास है ये भी म्यूरल वाली क्लास है देखिए ये वाला म्यूरल वाला है मेरा म्यूरल क्लास है दो बाई तीन का पीस बनेगा हमारा अच्छा बड़ा पीस बनेगा इसका और इसमें म्यूरल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैं सिखाऊँगी है ना डिफरेंट रहेगा और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को इसको बनाने में है ना और इससे रिलेटेड आप फिर कुछ भी आगे भी अगर आपको जो बनाना होगा वो लोग आप बना सकते हो खुद से है ना तो इसमें थोड़ी सी टेक्निक अलग रहेगी मेरी ये वाला जैसे मैं इसमें बता रही हूँ ये सिंपल म्यूरल है म्यूरल भी बहुत से प्रकार के होते हैं है ना तो ये मेरा सिंपल टाइप का म्यूरल है और ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है है ना तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और भी मेरी क्लासेस हैं म्यूरल की जिसमें की होल्डर्स हैं म्यूरल में और बहुत सारी क्लासेस हैं तो आप डिटेल लेके ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपको क्लास ज्वाइन करनी हो है ना? एक लेस और बनेगी और हमारा ये वाला म्यूरल भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ये वाली क्लास बहुत ही ऑसम awesome क्लास है आप इसको ज्वाइन कीजिए फिफ्थ अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है ये वाली क्लास है ना और बहुत सीखने को मिलेगा आपको इस क्लास में कि हम अगर कोई म्यूरल बना रहे हैं और हमें उसको थोड़ा सा वेट कम करना है क्योंकि म्यूरल में क्या होते हैं वेट हो जाता है हम किसी भी क्ले से बनाएँ चाहे जैसे ये मेरी म्यूरल क्ले से बनाएँ या फिर मार्बल से बनाएँ या फिर हम पुट्टी पाउडर से बनाए है ना पुट्टी क्ले से बनाएँ या फिर हम किसी से भी बनाए थोड़ा सा जब बड़ा म्यूरल होता है तो थोड़ा हेवी हो जाता है है ना तो इसमें थोड़ा सा हम हेवी ना हो उस चीज़ का ध्यान रख के इसको बनाएंगे आप नए हो क्या पेज पे सोनिया जी आपने पहली बार मेरा पेज देखा क्या पहली बार वीडियो देख रहे हो आप अरे दो थोड़ा सा कम रह गया बस यस ओके तो आप ना अर्जुन को फॉलो कर लो जो पेज अभी अगर आप अभी वॉच कर रहे हो उस पेज को फॉलो कर लो है ना और नोटिफिकेशन ऑन कर लो मेरा यूट्यूब चैनल भी है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड किया है दो आएंगे नहीं तीन लग नहीं रहे अरे लग गए चलो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और यहाँ पर तीन हम लगा देते हैं जहाँ पर भी ज्वाइन करते हो आप लेस को है उसके दोनों साइड थोड़ा सा फेबिक लगा लेना जिससे जॉइंट अच्छे से हो जाता है खुलता नहीं है जॉइंट है ना? और जॉइंट अगर हम जहाँ भी करते हैं ना, वहाँ पर जॉइंट खुलता है क्रेक नहीं आते ठीक है एक ये चीज़ मेन है अरे वाह आज तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं देखें हेलो मनीषा जी हेलो मीना जी मनीषा जी किधर गायब हो गई थी इतने दिनों से वॉट ब्लू ब्लू कलर मोल्डिंग वॉट ब्लू कलर मोल्डिंग ये मोल्ड ये मोल्ड मेरे हैंडमेड मोल्ड है डियर है ना मैं खुद बनाती हूं इसलिए मैंने इनको ब्लू कलर में बनाया है हेलो जय श्री जी मैं दो बजे का टाइम देती थी तब सब लोग ढाई बजे तक आ जाते थे है ना बिल्कुल टाइम पे फिर और अब मैं ढाई बजे का टाइम देती हूँ तो सब लोग तीन बजे आते हो जब मेरा जाने का टाइम हो जाता है नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो नोटिफिकेशन के लिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो बस हम वही बोल रहे हैं कि क्या होता है कभी कभी एबी का सर्वर इजी होता है या कुछ भी कारण होता है तो उससे क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो उससे बेस्ट यही है आप लोगों के लिए कि अगर मैंने कहा है कि मैं ढाई बजे लाइव आऊँगी तो दो पांच मिनट आगे पीछे हो सकता है बट ढाई बजे लाइव में आ जाती हूँ मैं आज भी करेक्ट ढाई बजे आ गई थी एक दो मिनट का आगे पीछे चलता है क्योंकि सबके घर में घड़ी जो होती है दो पांच मिनट कभी आगे कभी पीछे है, है ना हो सकता है मेरी घड़ी आगे हो या पीछे हो ठीक है तो दो पाँच मिनट थोड़ा सा देख लिया करो आप लोग है ना नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो फिर अब बेस्ट ऑप्शन यही है है ना कि आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो आर्ट जोन का व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैंने आज भी बताया था कि मैं इतने बजे लाइव आ रही हूँ डिम्पल जी आप कहाँ से हैं मैम मैं भोपाल से हूँ डियर आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो बताओ डिम्पल जी आप कहाँ से देख रहे हो जयश्री जी आप कहाँ से देख रहे हो थैंक यू थैंक यू सो मच मीना जी ये देखो एक ये वाली लेस है अच्छा कल देखो हमें शुभ लाभ का मोल्ड नहीं मिला था ना आज हमें मिल गया न्यू दिल्ली अरे वाह मैसूर मंदसूर से अच्छा मंदसूर ऋतु जी मंदसूर से देख रही है ओके वेरी गुड ये देखो आज हमें मिल गया हमने ढूंढा उसे कि हमने कहाँ रख दिया हमारे शुभ लाभ का मोल्ड क्योंकि जो गणेशा हम फ्री सेशन में नेक्स्ट जो फ्री सेशन है मेरा वो ये वाला रहेगा मैं ये वाला तोरण बना रही हूँ हरियाणा से है टिम्पल जी ओके वेरी गुड मतलब इतनी दूर दूर से देखा जा रहा है अर्जुन को वेरी गुड ये वाला रहेगा नेक्स्ट फ्री सेशन हमारा तोरण कोल्हापुर महाराष्ट्र अरे वाह चलो है ना बहुत अच्छी बात है ठीक है नेक्स्ट सेशन हमारा ये तोरण रहेगा तो हम अभी से बना के रखेंगे ठीक है तो हमारे जितने दिवाली तक जितने आर्टिकल्स हैं ना हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए बन जाएंगे और तैयारी हमें पहले से करनी है है ना तैयारी हमें पहले से करनी है तो हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है ये देखो ये हमारे तीनों म्यूरल बन गए हैं जो कि कुछ इस तरीके से आप आपके घर में इसको लगाओगे मैंने इनके बीच में डिस्टेंस नहीं रखा क्योंकि ये आएगा नहीं कैमरे में फिर है ना आप इसको डिस्टेंस इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हो जैसे थोड़ा सा यहाँ पर पीछे एक हुक लगेगा जो कि आप इसको हैंगिंग करेंगे तो ये इसको इतनी नीचे फिर ये वाला इसके अकॉर्डिंग इतनी दूरी पे इस तरीके से तो इस तरीके अच्छा सोनिया जी बेंगलोर से एक और हमारी स्टूडेंट हैं सोनिया जी एक और हमारी स्टूडेंट है उनका नाम भी सोनिया है और वो भी शायद इससे ही पुणे या बेंगलोर ऐसे ही कहीं से हैं बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं हमारी एक और स्टूडेंट हैं गायत्री जी जो बेंगलोर से हैं बेंगलोर में बहुत आर्ट को प्यार करने वाले लोग रहते हैं है ना प्लीज वन गुड शुभ लाभ आल्सो नीलम जी uh, जयश्री जी क्या बोल रही बहुत खूबसूरत थैंक यू सो मच क्या लटकन नहीं सिखाएंगे मतलब किस में लटकन नहीं सिखाएंगे हेलो वी एम क्या नाम है आपका वी एम मेरे को याद नहीं है आप मेरे स्टूडेंट हैं मुझे मालूम है वी एम क्रिएशन नाम नहीं याद आ रहा सॉरी डियर नाम लिख दो हेलो यशवी जी थैंक यू थैंक यू सो मच किसकी लटकन ये वाली लटकन नहीं सिखाएंगे एक्चुअली क्या है मैंने अपने जो घर का जो बोर्ड है ना उसमें ये वाली चीज़ नहीं बनाई है है ना मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरीके से बनाना है अगर आप ये लोग आपके घर में एमडीएफ अगर आप कटवा दोगे तो उसमें कुछ नहीं है एक बीच में हम आ, क्लेक की डॉट रखेंगे और राइट साइड हम ड्रॉप शेप में इसको बना के कंप्लीट कर देंगे बस इतना सा है मुझे केवल एक चौकोर सा चाहिए था बस एक पूरा चौकोर सा है ना इस वजह से मैंने फिर इसको नहीं काटा है बाकी हाँ ये जो लूम्स नीचे बेल जो लटक रही है ना तो वो बेल हम लटका सकते हैं <laughs> सोनिया जी थैंक यू सो मच सोनिया जी थैंक यू <laughs> <laughs> हेलो हेमा जी है ना तो इस तरीके से ये रहेगा नेक्स्ट और इसमें हमारा क्या रहेगा पता है इसमें आपको इसको मैं साइड से कर देती हूँ ये जो बंधनवार है इसमें आपको किट मिलेगी पूरी आप किट ले सकते हो मुझसे है ना और किट में आ, क्या क्या रहेगा क्योंकि जिससे मैं इसको बनाऊँगी बताएं उसमें फिर आप बाद में कहोगे कि मैम ये हमें चाहिए ये हमें कहाँ से मिलेगा है ना वो हमें कहाँ से मिलेगा तो उसकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रही हूँ तो तो सिंपल तरीके से आप लोगों को आज एक बार और फिर से बता देती हूँ कि किट में क्या रहेगा डिम्पल जी क्ली में क्ले मेकिंग की क्लास के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा डियर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए मैं आपको डिटेल दे दूँगी ठीक है हेलो मीनाक्षी जी ये देखिए ये इसका एम रहेगा या प्लाईवुड आप कुछ भी ले सकते हो एम लोगे थोड़ा थिक लेना पड़ेगा एट एम एम टेन एम ठीक है और इतना भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं क्योंकि यही अगर हम हेवी कर देंगे और इस पर चीज़ें फिर लगाएंगे तो वो और हेवी हो जाएगा ठीक है तो आप प्लाई ले सकते हो ए एम का या एट एम mm का एम ले सकते हो जैसे भी तो वो आपको खरीदना होगा ठीक है आप मुझसे किट में जैसे ये है एक ये वाले का यूज़ करूंगी मैं एज ए यहाँ पर बॉर्डर इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज करूँगी मैं बॉर्डर की ये जो बॉर्डर है इसकी डिज़ाइन में चेंज करूँगी है ना ये वाली ठीक है तो इसमें हम ओम लगाएंगे तो आपके पास किट में ओम जाएगा स्वास्तिक लगाएंगे तो स्वास्तिक जाएगा ये दो लेस में से कोई सी भी एक लगाएंगे हम है ना यहाँ पर और उसके बाद में ये वाला कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लेना आ, कल का वीडियो क्योंकि उसमें मैंने पूरा अरेंज करके बताया था कि किस तरीके से हम कहाँ पर क्या चीज़ अरेंज करेंगे ठीक है तो ये वाला रहेगा ये फ्लावर भी हमारा एज ए यूज़ हो सकता है कहीं भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं ये जाएगा आपके पास किट में ये वाली लेस जाएगी आपके पास किट में तोरण की फीस नहीं है केवल आप किट खरीदोगे उसकी फीस है मीनाक्षी जी तोरण तो मैं आपको फ्री सेशन में सिखाऊंगी जैसे हमने अभी ये म्यूरल सिखाया ना ऐसे ठीक है ये शुभ लाभ रहेगा क्योंकि मैं यहाँ और यहाँ दो शुभ लाभ लगाऊंगी गणेश जी के अगल बगल ओम और स्वास्तिक लगेगा एंड ये वाली जो लेस है ये लेस हमारे चारों तरफ लगेगी वंदना पोर्ट्रेट स्कल्पचर वो भी लेके आएंगे डियर पोर्ट्रेट स्कल्पचर में मैं लेके कर आऊँगी है ना हम किसी का बनाएंगे फ्री सेशन में वो क्या होता है पोर्ट्रेट स्कल्पचर जो होता है ना उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है पहले मैं इसकी बात कर लूँ फिर मैं आपको वंदना जी आपसे भी पोर्ट्रेट के बारे में बात करते हैं हम ठीक है इसमें कौन सा क्ले यूज़ होगा क्या वो भी सिखाएंगे जी नहीं डिम्पल जी इसमें मेरा म्यूरल क्ले ही यूज़ होगा ठीक है तो किट में अगर आप म्यूरल क्ले जा लेना चाहते हो जिससे कि जितना इस तोरण में लगेगा जो क्ले ठीक है तो वो क्ले भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्ले का जो भी होगा मैं आपको पूरी किट बना के दे दूँगी तो किट में ये रहेगा और ये रहेगा शुभ लाभ का तो हो गए वन टू थ्री फोर एंड फाइव है ना ये फाइव रहेंगे और अगर बाय चांस कुछ मिस हो गया हो तो मैं मैंने एक मुझे एक डायरी में, में मेरे लिखा हुआ है कि क्या क्या हमें इसमें लगेगा और एक चीज़ मेन सेंटर में ये सेंटर में जो गणेशा है वो ये गणेशा लगाऊंगी मैं अपना बीच सेंटर में है ना ये लगाऊंगी या फिर ये वाला गणेशा लगाऊंगी ये दो गणेश में से कोई सा भी लगाऊंगी तो किट में ये दो और या फिर बहुत से लोग चाहते चाहें अगर कि वो लोग राधा कृष्ण लगाए तो वो राधा कृष्ण भी लगा सकते हैं उनकी मर्जी है ठीक है ये देखो इस टाइप से ये रहेगा ये लुक आपको दिखाई दे रहा है ठीक है कि तोरण के साथ अगर राधा कृष्ण है तो कैसा लगेगा अगर गणेशा है तो कैसा लगेगा ठीक है ये तो ये रहेगा हमारे किट के साथ एक किट हमारी इस ये रहेगी एक इसके साथ की रहेगी और एक इसके क्योंकि तीनों का प्राइस अलग अलग है कौन वर्क देखेंगे हेमा जी अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि कौन वर्क रहेगा या नहीं रहेगा क्योंकि तो अगर कौन वर्क में करवाती हूँ तो मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगी बोर्ड प्रिपरेशन का मटेरियल में दूंगी ठीक है तो बोर्ड प्रिपरेशन का मटेरियल दूंगी हम उसी से कौन भी बनाएंगे तो अगर कोनिंग का काम होगा तो होगा और अगर नहीं होगा अभी तो फिलहाल इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोनिंग का काम होगा क्योंकि तो ये जो डिजाइन बनेगी ये क्वेलिंग बना के हम बनाएंगे है ना क्वेलिंग करेंगे क्वेलिंग बनाएंगे हमारी क्ले की यही मेरी म्यूरल क्ले की क्वेलिंग बना के और फिर ये वाले डिजाइन बनाएंगे हम लोग है ना रेक्टेंगल बोर्ड का साइज क्या रहेगा बोर्ड का साइज आप आपके घर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं यशवी जी आपको जिस तरीके से जितना बड़ा आपका घर की जो चौखट है ना उसके अकॉर्डिंग रखिए वैसे मेरा जो बोर्ड है वो चार फीट बाय हाँ फोर फीट बाय एट इंच का है मतलब आठ इंच ऐसा है ऐसा जो चौड़ाई है उसकी वो आठ इंच है आठ इंच एट इंच बोलो सेंटीमीटर नहीं आठ इंच और यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई रहेगी इसकी है ना ये जो लंबाई रहेगी सॉरी लंबाई जो रहेगी वो चार फीट है है ना इतना बड़ा डोर है मेरे घर का ठीक है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये बना रही हूँ क्योंकि फिर बाद में क्या होता है दिवाली तक ना बहुत सारा काम आ जाता है ऑर्डर वर्क आ जाते हैं फिर नहीं बना पाती इसलिए मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ ठीक है ये सब चीज़ें हैं बिल्कुल डिम्पल जी आप कॉल कर सकते हो बट अभी नहीं अभी मैं लाइव हूं लाइव के बाद में ठीक है अब ना अब बोलिए ठीक है अब ठीक है ठीक है तो आपके पास में जो किट में जाएगा वो ये वाली जो किट है इसमें जाएगा ये गणेशा ठीक है ये गणेशा रहेगा बिल्कुल रितु जी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए डियर तो मैं आपको ना व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे पिन किया हुआ है ठीक है आप उस पर व्हाट्सअप करेंगे मैं आपको मेरा पूरा कैटेलॉग सेंड कर दूँगी ठीक है पूरा कैटेलॉग तो आप उसमें से जो चाहे वो सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकती हैं थैंक यू एक्चुअली क्या है ना यशवी जी मेरे पास में चाहे मेरी मैं मतलब वो नहीं कर रही हूँ अपनी तारीफ नहीं कर रही हूं बट मेरा है मेरा शुरू से नेचर है चाहे मुझे कोई देखे ऑनलाइन चाहे ना देखे वीडियो मुझे जिस तरीके से काम करना है क्योंकि ये जो पीस है ना है ना ये जो पीस है ना ये पीस मेरे घर पे हैंग होने से पहले सेल हो जाएगा मैं बना अपने घर के लिए रही हूँ बट ये मेरे घर पे हैंग होने के बाद भी ये सेल हो जाएगा ले जाएंगे लेने वाले कि आप दूसरा बना लेना ये हमें दे दो तो मैं काम ऐसा करती हूँ कि अगर मैं अपने घर के लिए भी बना रही हूँ तो मैं कभी भी मतलब ये नहीं करती हूँ कि ठीक है यहाँ से थोड़ा सा तेढ़ा थोड़ा सा मेढ़ा चल जाएगा नहीं काम करो परफेक्ट करो आराम से करो मेरा ऑनलाइन क्लास जो स्टूडेंट के साथ में लेती हूँ उसमें और भी शांति से काम करवाती हूँ और शांति से मतलब ऐसा नहीं कि आज एक क्लास ले ली फिर आठ दस दिन बाद है ऐसा भी नहीं होता है शांति से मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं कि ठीक है इसके बाद ये कर लेना ये कर लेना ये कर लेना और ठीक है ऐसा नहीं होता है ठीक है कोई सा भी काम होता है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कराती हूँ तो ये वाला तोरण हम बनाएंगे इसमें आपके पास ये वाला मोल्ड ये वाला मोल्ड ये वाला मोल्ड ये वाला एंड ये वाला ये पांच मोल्ड आपके पास जाएंगे और किट में कितना सामान रहेगा ये मैं एक फ़ोटो क्लिक करके और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगी तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि किट में कितना सामान आएगा ठीक है और हाँ वैसे तो एक किट निकलना भी है मेरी तो मुझे किट रेडी करनी ही है इसकी ए, एक किट का ऑर्डर आया ही है तो उसमें ये वाला गणेशा जाएगा ठीक है ये वाले गणेशा के साथ किट है तो मैं उस किट को ही जब रेडी करूंगी ना तो उसका फोटो क्लिक करके वैसे मैं अपलोड करने वाली हूँ अपने पेज पे तो मैं डाल दूंगी ठीक है तो आपको वहां पर भी आ जाएगा समझ में है ना क्लियर है और किसी को क्ले की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और इसमें मैं अपनी क्ले से ही काम करने वाली हूँ म्यूरल क्ले से ठीक है और ये कोनिंग से नहीं होगा ये हम क्वेल बनाकर करेंगे क्वेलिंग जो बनाकर बनाते हैं ना उस तरीके से आप ये भी ले सकते हो तीनों कीट अलग रहेगी राधा कृष्ण के साथ किट अलग रहेगी ये गणेशा के साथ किट अलग रहेगी एंड ये वाले गणेशा के साथ किट अलग रहेगी प्राइस में बता रही हूँ ठीक है बाकी किट में तो ये पांच ही हमारे बोल्ड जाएंगे ओके एंड बोर्ड प्रिपेशन करने का मटेरियल जाएगा ठीक है बाकी बेल वगैरह तो आप लोग खुद से खरीद लेना इतना कोई इशू नहीं है हर जगह अवेलेबल हो जाती है इजीली, है ना आर्ट एंड क्राफ्ट की कई शॉप होगी ना वहाँ पर इजीली मिल जाती है ठीक है इतना क्लियर है तो नेक्स्ट जब ये हमारे जितने तीनों म्यूरल है ये पूरे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे कलरिंग हो जाएगी उसके बाद में अप्रैल से हम लोग एक अप्रैल से या फिर जब भी मैं घूम के आ जाऊँ है ना फिर स्टार्ट करते हैं है ना आराम से जल्दबाजी नहीं करते हैं आराम से करते हैं और इसको बनाते हैं मैं भी इसके बाद में एक और बहुत अच्छा तोरण लेके आऊँ या तो रिलीफ में या फिर कैसे पता नहीं अभी बट बनाना है एक और बनाना है है ना तो बस अच्छा सीखिए अच्छा बनाइए और अपने घर को डेकोरेट कीजिए ठीक है किट ऑर्डर कर सकते हो आप लोग जितना जल्दी आप लोग ऑर्डर करोगे उतनी जल्दी किट आपकी निकलेगी और उतना जल्दी आप लोग मेरे साथ बनाना मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करोगे ठीक है चलिए मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट का आने का टाइम हो गया है सो तो बाय एंड आप लोग टाइम पे ज्वाइन कीजिए है ना क्योंकि मैं टाइम पे ही आती हूँ दो पाँच मिनट चलता है बाकी okay, मैं टाइम पर आती हूँ ठीक है okay, ओके बाय